पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचं वर्णन आजचे शिवाजी महाराज असं केल्यामुळे सर्वच स्तरांवरून तीव्र संताप व्यक्त होतो याबाबत आमदार अबू आझमी यांना विचारलं असता त्यांनी था का राजा भोज का गंगुतेल असा उत्तर देऊन मोदींवर जोरदार टीका केली केंद्राच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात आम्ही देशात सर्व धर्मीय समाज असहकार आंदोलनही सुरू करणार आहोत असंही ते यावेळी म्हणाले वाशिममध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अंश मात्र अबू आजमींनी तोंड भरून कौतुक केले पाहुयात अबू आजमींची अबू आज़मी नेमकं काय मनाले मेरी देखी ऐसा है की मैं कह रहा हूँ ना कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू थेली शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से करना मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष का अपमान है पूरे महाराष्ट्र की जनता का अपमान है शिवाजी महाराज वो इंसान थे जो उन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान में अंतर नहीं समझा शिवाजी महाराज ने की फौज में पैदल फ़ौज में उनके नेवी का अफसर मुसलमान थे वो भरोसा रखते थे जब वो कभी जाते थे जंग पर तो जा करके इस जालना के अंदर एक बाबा से जाकर आशीर्वाद लेते थे उन्होंने उन्होंने मंदिरों को जगह दिया तो मस्जिदों को भी जगह दिया और ये तो मस्जिद तोड़वाने की बात करते हैं ये तो जो है मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल देना चाहते हैं ये उनका किरदार एक बहुत ज़बरदस्त किरदार था मैं समझता हूँ कि जिसने ये बात कहा है वो बेचारा कोई चापलोस आदमी घुटने टेक करके नरेंद्र मोदी से कुछ लेना चाहता होगा लेकिन हम ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते नहीं नहीं देखिए मैं मैं देखिए मैं समाजवादी पार्टी और मैं हमेशा फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ थे और मैं आपसे कहूँ कि मैं मुंबई में रहते हुए कभी भी मैं उद्धव जी से मिला नहीं था लेकिन जब मैंने देखा कि उद्धव जी से मैं मिला एक वक्त आया कि उद्धव जी ने बीजेपी को लात मारा फण्डणीस से हाथ नहीं मिलाया उनके उनको जो लात मारा तो मैं उनसे जब मिला तो मुझे उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा और उस आदमी ने बहुत ही शालीनता के साथ हम लोगों को बुलाया बातचीत किया उन्होंने ये कहा कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ और मैं जो कहता हूँ जो कहता हूँ वो करता हूँ मैं वचन देता हूँ पूरा करता हूँ और मैं वचन देता हूँ महाराष्ट्र की जनता को कि ये जो एन है सी है इससे महाराष्ट्र की जनता को एक आदमी को भी तकलीफ नहीं होने दूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि जो ये जे में जो हादसा हुआ है वो हादसा मुझे 26 ग्यारह की याद दिलाता है कि मुंह में कपड़े बांध करके आतंकवाद आतंकवादियों की तरह से आना उन्होंने ये कहा कि जो उसके पहले जाम मिलिया में हुआ था वो वाक़ मुझे जलि, जलियान वाला बाग की याद दिलाता है तो मैं क्या मैं वो सारे मुसलमान जिन्होंने उनको शायद वोट बहुत कम दिया होगा वो सब के सब उनके फ़ैन बन गए और उनके साथ खड़े हैं मैं दुआ करता हूँ कि उद्धव जी का जो विचार है वो जन जन तक पहुँचे और हम सब जो है इसी तरह जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव उद्धव जी ने कदम उठाया है जहाँ जहाँ आज बीजेपी की सरकारें हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग होश में आ जाएं और भारतवर्ष को बचा लें